मतदान के बाद ईवीएम स्ट्रांग रूम में रख दी गई है, लेकिन गुना स्ट्रांग रूम में लगे सीसीटीवी कैमरों में 4 जून तारीख दिखाने से कांग्रेस परेशान हो गई है और दिग्विजय सिंह ने स्ट्रांग रूम का मुआयना किया और इस बारे में कलेक्टर से भी चर्चा की है। इस समय ईवीएम रखे स्ट्रांग रूम और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे सवालों के घेरे में। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह गुना से कांग्रेस प्रत्याशी राव यादवेंद्र सिंह के साथ आज ईवीएम स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करने पहुंचे। राघोगढ़ के ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर लगे कैमरे का डेट और टाइम सही नहीं है। कैमरे की स्क्रीन पर 4 जून की तारीख और समय में 33 मिनट का अंतर दिखा। इसको लेकर दिग्विजय सिंह ने कलेक्ट्रेट जाकर कलेक्टर से बात की। कलेक्टर ने सीसीटीवी का डाटा सही करवाने के निर्देश दिए। ईवीएम और वैसे भी पहले बैलेट बॉक्स पे डलता था तो हम जाँच करने आते थे, स्वाभाविक है, क्योंकि उस समय चुनाव के 2-3 दिन बाद ही काउंटिंग हो जाता था तो आसानी से हो जाता था। अब एक एक 1.5 महीना के बाद होती काउंटिंग, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रांग रूम में चौकीदारी करनी पड़ती। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।